हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। यहाँ पर जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। अगर आप किसी भी जिले से हरियाणा के देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, शुरू करते हैं आज के हरियाणा के मुख्य समाचार की इस वीडियो को। आपको बता दें, हरियाणा में होली पर हुल्लड़बाजों पर पुलिस की निगाह। कोरोना से बचने के लिए सुरक्षित मनाएं होली। रंगों का पर्व होली का त्योहार शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के कारण लोग इस बार सजग हैं। हुल्लड़बाजों पर पुलिस की पैनी निगाह है। हरियाणा में हुल्लड़बाजी और नशे में वाहन चलाने वाले से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष नाके लगाए हैं। सीएम मनोहर लाल पहले ही लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करते हुए होली मनाने का संदेश दे चुके हैं। इसके साथ ही इसका असर भी दिख रहा है। हरियाणा में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो ऐसे कार्यक्रमों के साथ ही कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे। सीएम ने प्रदेश वासियों की होली की बधाई देते हुए रंगों के इस त्योहार को कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए मनाने को कहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, जजपा का दबाव नहीं आया काम, उपचुनाव के बाद ही होगा हरियाणा कैबिनेट में विस्तार। तो जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के लिए जननायक जनता पार्टी का तर्क और दबाव काम नहीं आया है। भाजपा नेतृत्व ने राज्य में कैबिनेट विस्तार के लिए अभी हरी झंडी नहीं दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने तर्कों से मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। मनोहर लाल मंत्रिमंडल का विस्तार अब राज्य में होने वाले 2 उपचुनावों के बाद ही होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री का तर्क कि राज्य में 2 उपचुनाव होने हैं, इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मनोहर लाल मंत्रिमंडल में 2 सीट खाली है, इसमें से एक भाजपा की है, दूसरी जजपा की सीट है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। 5 अप्रैल को करेंगे FCI के दफ्तरों का घेराव। तो जी हां, सोनीपत के राई से आ रही है बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने वही होलिका दहन पर 3 कृषि कानूनों पर प्रतियां जलाई हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर लगे किसानों के धरना स्थलों पर किसानों ने कृषि कानूनों को किसान जनता विरोधी करार देते हुए होली जलाई है। किसानों ने कहा, इस कानून को रद्द करना ही पड़ेगा और MSP पर कानून बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने 5 अप्रैल को FCI ऑफिस के सामने विरोध का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर है, बिस्किट और नमकीन बनाने में इस्तेमाल होगा हरियाणा का बाजरा। अन्य प्रोडक्ट बनाने पर भी चर्चा की जा रही है। तो जी हां, प्रदेश का बाजरा पार्ले जी बिस्किट और नमकीन में इस्तेमाल होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहीं नई दिल्ली में पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड जितेंद्र बक्सी से मुलाकात की और हरियाणा से बाजरा खरीद कर उन्हें बिस्किट व अन्य प्रोडक्ट बनाने के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा है, प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों कंपनियों के रीजनल हेड से मुलाकात सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय से बाजरा की उपयोगिता के कारण इसकी डिमांड बढ़ रही है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी हां, इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, हरियाणा में घातक हुआ है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत, 1392 संक्रमित मिले, 125 मरीज गंभीर हैं अभी तक। हरियाणा अंबाला के सांसद व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, अंबाला की मेयर समेत 1392 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्री को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ साथ 9 विद्यार्थी भी संक्रमित पाए गए हैं। एक ही दिन में 9 मरीजों की मौत हो गई है हरियाणा में इस कोरोना से। वहीं पिछले 24 घंटे में कुरुक्षेत्र व रोहतक में 2-2, कैथल सिरसा यमुनानगर अंबाला और करनाल में 1-1 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल बढ़कर के 3141 पर पहुंच गई है। वहीं अब गंभीर मरीजों की संख्या बढ़कर 125 पहुंच गई, इसमें से 100 ऑक्सीजन पर है और 25 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अगली बड़ी खबर है, सीएम बोले, किसानों को सीधे बैंक खातों में होगी 100% अदायगी, आढ़तियों को मिलेगी आढ़त। हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के बेमियादी हड़ताल के दबाव को नकारते हुए 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है। इसके साथ ही 100% अदायगी किसानों के खातों में होगी और सीएम ने फसल खरीद पर प्रक्रिया की समीक्षा में बैठक में कहा कि आढ़तियों को आहत मिलेगी, उनके जरिए किसानों को राशि का भुगतान नहीं होगा। 380 PFO यानी कृषि उत्पादक संघ खरीद प्रक्रिया प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो जी हां, ये थी बड़ी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों की। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।